ओके फिर वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे तोते छोटे से केज में है, और इस छोटे से केज में मतलब ये ब्रीड भी इतना अच्छा नहीं कर सकते, और इनको एक बड़े केज की भी ज़रूरत थी। और आज हम लोगों ने ना बड़ा केज भी बना दिया है, ये देखें दरवाज़ा भी हम लोगों ने छोटा कर दिया है, और अंदर से हम लोगों ने ये कलोनी भी काफ़ी अच्छी सेट कर दी है। इसके अंदर हम लोगों ने 5 घर लगाए हैं ताकि ये आराम से ब्रीड करें। अभी हमने और भी लेकर आने हैं तो इसलिए लगाएं। इसमें से एक ब्लू फिश थी और 2 फिशर है मास्किंग में, और इन सालों का पेड़ लगा हुआ है, मतलब इनको बस अब हम लोगों ने छोड़ना है। तो मैंने कहा आपके लिए अच्छी सी वीडियो भी बना ली जाए जिसमें, और इनके अभी हमने पॉट्स उठाने, सबसे पहले हम लोग इनके पॉट्स रख देते हैं ताकि ये आराम से खाएं पिएं अपने नए घर में। और ये इसलिए छोटा करवाया ताकि इतना बड़ा है ना तो मेरा ध्यान यहाँ होगा और तोता ही ना निकल जाए, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया है। तो फिलहाल हम लोगों ने और पॉट्स भी उठा के रखने अंदर, और अभी अपने आराम से अंडे बच्चे ना इनके अंदर दे देंगे, इनको कोई मुश्किल भी नहीं हो कि अपने अंडे बच्चे देने में। और ये देखें ये अच्छी तरह हम लोगों ने ना खुद का यहाँ से लगाई हुई है अब। और ये देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हम लोगों ने किस तरह इनको सट, ये देखें पाइप के अंदर से हम लोगों ने तार घुसा के निकाल के इधर से किए, और उसके बाद यही काम हम लोगों ने इधर से किया। ये हम लोगों ने ना नाप के ना फिर वो निकाल लिया था, और यही काम इधर से किया और पीछे से। और यहाँ मैंने एक बांस की डंडी लगाई, जो दरख्तों की डंडी होती है ना वो बहुत ख़राब करती है पिंजरे को, और ये सारा साफ भी कर दिया था मैंने। और अब ये एक एक्स्ट्रा घर यहाँ लकड़ी का लगा था, बगैर सारे मिट्टी के घर लगाए हैं क्योंकि वो इनके लिए बेस्ट रहते हैं। और अब हम इनको शिफ्ट करने लगे हैं, अभी अभी शिफ्ट किया हम लोगों ने, देख सकते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और ये इतने प्यारे लग रहे हैं। असल में मैंने एक और वीडियो बनाई थी इसमें, या फिर इसी वीडियो में आपको बता दें इसमें मेल एंड फीमेल की क्या पहचान होती है, लेकिन मसला ये हुआ कि बता नहीं सका क्योंकि ना ये बहुत ज़ोर की काट रहे थे, बहुत ज़ोर की, इनकी चोट ना कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है इसलिए ज़ोर की काट रहे थे। अगर हम इनको यहाँ से डराते हैं, ये देखें ब्लू फिशी साहब तो अपनी जगह पे आके बैठ गए। अभी हम लोगों ने इन तीनों का नाम भी रखना है, एक वो हमारा वो पीछे है, और ये एक यहाँ पे बैठा है, एक मेल है और 2 फीमेल हैं। और इनके लिए पॉट्स रख दें, एक में हम लोगों ने पानी भरना है, एक में हम लोगों ने इनके लिए फ्रूट्स रखने हैं। इसमें पानी भरूंगा, इसमें दाना रखूंगा, और इसमें रखूंगा फ्रूट्स इस, और ये मतलब इनके लिए प्रॉपर जगह आ गई, इसमें बहुत कुछ रहेंगे बजाय ऐसे कि गंदे मारे पिंजरे में रह रहे थे। मैंने भी देर किए बगैर एक अच्छा सा पिंजरा बनाया, ये देखें भाई साहब मैंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, ये यहाँ से देखें एक हम लोगों ने यहाँ से भी मेहनत की हुई है, और एक सबसे पीछे तो सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है हमारी। और इनके घर वगैरह भी हम लोगों ने बड़े अच्छे लगाए। अब मैंने सोचा एक मैं लोटिनो का पेयर ले आऊँगा और एक मैं फिशर और ले आऊँगा, इससे हमारे 3 पेयर पूरे हो जाएंगे। ये फिशर 2 पेयर, एक ब्लू फिशर के साथ, तो मैंने सुना है कि फिशर का पेयर लगाते हैं तो वो अच्छे बच्चे फेंकते हैं, तो आगे बगैर कमेंट करना है कि ऐसा है कि नहीं है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक लोटिनो का पेयर लाना है, और एक मैं सोच रहा था वो लेकर आना पीच फेस, ऐसी कुछ होता है वो बड़ा प्यारा लगेगा। ये वाला पिंजरा तो मैंने दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद किया हुआ है, ये वाला छोटा कर दिया है, और छोटा करने का तरीका आप भी ज़रा अच्छी तरह देख लें, मैंने काफ़ी अच्छी तरह बांधा है ताकि छोटा जब बस अल्लाह करे कोई जगह ऐसी ना बच गई हो जहाँ से निकल जाएंगे। असल में ये तो मैंने इसमें पहले बजरी रखे थे, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है कि कहाँ से निकल जाते थे कहाँ से नहीं निकलते थे। अब तो इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ आई हुई है, तो ये इनके लिए अच्छा भी करेगा। यहाँ मैं सोच रहा हूँ बजीज़ का सेटअप बनाऊँ, और ये सब यहाँ से तो बस एक ही जगह है, बजीज़ के लिए जगह हम लोगों ने पसंद करनी है। अभी इसके ऊपर हम लोगों ने ना ग्रीन शीट भी रखनी है, ग्रीन शीट ये सबसे बड़ी ग्रीन शीट है, ये मैं बर्ड्स के लिए लेकर आया हुआ था। इसके अंदर से ना एक हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये हम लोग साइड पर लगाएंगे, ये ना कुछ ज़्यादा ही लंबी है, ये साइड पे लग जाएगी, और ये भाई साहब सामने से लग जाएगी, वो भी काफ़ी लंबा काम है। और बस मेरी इस बात का सोच है कि मैं आपको इनके मेल एंड फीमेल की पहचान नहीं बना सका, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ अपनी ब्लू फिशरी की क्वालिटी कि किस किस्म का ब्लू फिशरी। अभी सही तरह कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा ब्लू फिशरी की चोट, अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो रहा होगा पिंक कलर की है सबसे प्यारा मेरा ब्लू फिशरी, और बकाया फिर सारे बर्ड्स हैं। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नीचे लगाने के तो बड़े हालात ही बुरे हैं, उसको सही करेंगे। और इनके लिए थोड़ा सा ये भी रख देते हैं, बस अल्लाह करें निकल ही ना जाए, निकल गए तो वावा ने फिर
मुझे वो डांटते हैं कि भाई तुमसे सही तरह परिंदे भी नहीं पलते यार। अभी ना ये एक यहाँ से बदलना, हम लोगों ने इसको इधर कर देना है, और इसी अभी सही तरह सूखा नहीं हुआ। और ये हम लोगों ने देख लेना, इसके अंदर एक ये रख देते हैं, और यहाँ हम लोग पानी रख देते हैं ताकि हमारे बर्ड्स ना भाई साहब आराम से रह सकें। तो अब बस गुलहरी वगैरह भी इसके अंदर बहुत रहती थी, अब वो सारा ही रोला ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा मैंने इनके लिए ना एक बड़ा सा केज बना लिया जिसके अंदर मैं इनकी डोरियाँ वगैरह लगाऊँ, लेकिन आप खुद वो ना बहुत लंबा ही काम चला जाता है वो काम करना। अब बस ये अपना खुशी खुशी अपने घर में रहेंगे, वही मेला काफ़ी बेहतर रहेगा। मैंने इनके लिए ना एक बहुत बड़ा केज बनाना है, और केज की जगह हम लोगों ने डिसाइड की है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये जगह हम लोगों ने डिसाइड की, यहाँ बनाएंगे भाई साहब बड़ी सी कॉलोनी, और पाइप वगैरह भी इनमें अच्छी तरह इनकी वो आ जाएंगी, डोलियाँ वगैरह, और फिर सारा काम आराम से करके ना हमारे ब्लू फिश और बकाया भैंस आराम से रहेंगे। अब बस ये अपनी जगह पे आ गए, ये भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और बस अब ये मेरे से निकले रहा। सबसे बड़ा मसला मेरे से ये होता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ उठा ही देता हूँ मेरे से, सही तरह मैं पालने की काफ़ी कोशिश करता हूँ लेकिन निकल ही जाता है। बड़ा पेज है, पहले छोटा था, मैंने ये ब्लू फिश छोटा सा दाल से पाला हुआ था, देखिए दाने का हाल भी ब्लू फिश वगैरह का आपको दिखा देता हूँ। और क्वीन भी अभी खुली हुई थी, क्वीन यार क्वीन है ना कहीं जा के छुप जाती है, फिर मिलती भी नहीं है मुझे। ये सबसे बड़ा रोल है इसका, ये देखें यहाँ छुपी हुई है यार। क्वीन को यहीं डाल दिया मैंने, आराम से खा लेगी हमारी क्वीन, इसकी हालत काफ़ी बेहतर है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास। और क्वीन बिल्कुल सही होती जा रही है, इसके बस हल्की सी कमज़ोरी है, उसकी अपडेट अगली वीडियो में दे देंगे हम लोग आपको। यार अभी ना सही तरह एडजस्ट ही नहीं हो रहे यार, सही जगह एक जगह अच्छी तरह बैठ जाओ। मैंने इनके लिए इतनी अच्छी कॉलोनी बनाई है, इतने अच्छे पाइप्स वगैरह लगाए हैं काट कूट के, और आपको तो पता है मतलब मैंने इनको एक प्राइवेसी दी हुई है। ये देखिए इतने बड़े बड़े दरख्त तो बढ़ रहे हैं, और अगर मैं हल्का सा इस दरख्त को इधर कर दूँ ना, ये देखें मैंने ना अब ये पिंजरा यहीं रहेगा, इसे सारे दरख्त ना इसको कवर कर लेगा। अब बस सर्दियों में इसको तरपाल डालने के लिए ना थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, बकाया सही है। और इसमें से मुझे नहीं लगता कि तोते आराम से निकल सकें, ये देखें काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखें अब आपको दिखा, ये देखें बिल्कुल ही सही हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें दरख्तों को, सारे दरख्त वगैरह इतने सारे बड़े पड़े हैं ना। और ये आपको अच्छा अच्छा लग रहा होगा कि हमारे ब्लू फिश का बका भी है, डंडियों में बैठेंगे ना फिर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे लगेंगे। और देख लेते हमारी गोला पफ ने अंडा दिया है कि नहीं, माशाल्लाह अंडा भी दिया हुआ है, और तोतों की तो जान छूटी है अपने गंदे हमारे घटिया घर से, अब ये अच्छे घर में है और ये भी हैप्पी हैं, हम भी हैप्पी हैं। पहले मैं सोच रहा था ये वाला पिंजरा ना इनके लिए सेट कराऊंगा, ऊपर झूले वगैरह सब कुछ, लेकिन ना यार निकल ना जाए ना ये डर रहता है। एक साफ पिंजरा लोहे का ही, इनके लिए लकड़ी का पिंजरा ठहरता ही नहीं, लोहे का पिंजरा बनाना पड़ेगा। लकड़ी खाते हैं ना असल में, इनकी ये आदत बहुत बुरी है, लकड़ी खाते हैं, ये आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद की परिंदे की, लेकिन आप क्या करें आदत है ना। अभी देखिए घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या जाने ही वाले हैं मेरे ख्याल में। ब्लू फिश ने तो अभी से ही अपना घर डिसाइड कर लिया कि कौन सा घर हम लोगों ने अपने लिए करना है, अंदर जाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन डर रहा है हल्का फुल्का। ये देखें जा रहा है अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ये देखें लगता है मैं खड़ा हुआ ना इसलिए कर रहा है ऐसा, मैं हल्का सा पीछे हुआ तो ये तो बिल्कुल ही हट गया है। देखिए चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर ये सारी अपने अपने घरों में आराम से अंडे बच्चे देंगे। और फिर हम लोगों ने ना असल में काफ़ी सारी नस्लें रखनी है इसके अंदर, ये पूरा केज मैंने सारा सही करवाना है, और एक मैंने वो जो तारों वाले केज होते हैं वो लेकर यहाँ रखना है, उसके अंदर भी रखना है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आप सबके लिए, और वो कबूतरों से रिलेटेड है। कबूतर मैं और लेकर आने लगा हूँ, वो बस आपने वीडियोज़ को स्क्रिप नहीं करना, और हर वक्त हमारे चैनल की अपडेट रखनी है अपने पास के ये वाली वीडियो आने वाली है। और आने वाले डेज में हम लोगों ने काफ़ी सारे बर्ड्स लेकर आने हैं, और फिर आपके साथ हम लोग वीडियो शेयर करेंगे।
जो बर्ड्स हम लेकर आएंगे अभी हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं कि ये वाला बर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला बर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, और काफ़ी हद तक हमें पता चल गया कि ये वाला बर्ड ज़्यादा अच्छा रह सकता है या फिर ये वाला रह सकता है। ओए वो ब्लू फिशरी अभी अंदर गया था भाई साहब। ब्लू फिशरी साहब ने तो अपना घर भी डिसाइड कर लिया है, और मेरा ख्याल है और किसी घर को ये मुँह ही नहीं लगाएगा। अभी सारे घरों को अच्छी तरह देख रहा है ब्लू फिशरी, उसके बाद ये भी आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कबूतरों की कलोनी पाना है, कबूतरों की कलोनी को बड़ा करना है, इनके मतलब बच्चे वगैरह ज़्यादा आएंगे ना, ब्रीड ज़्यादा करवानी है। अभी ज़्यादा सही तरह ब्रीड नहीं करवा रहे हम लोग। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हाफिज़।